बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। केमिस्ट्री बेसिक्स में एक और कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना। ये भी काफ़ी डिस्टर्ब करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब ये आ जाता है, पता नहीं क्या है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक रेशो है, एक रेशो है। जब रेशो की बात की जाती है तो कंपैरिजन की बात की जाती है। कंपैरिजन का मतलब होता है मवाजना करना। मवाजना करना मतलब कंपेयर करना। मिसाल के तौर पर एक दो दोस्त हैं, ए और बी, इन्होंने बिज़नेस शुरू किया, इसने 60 रुपीज़ मिलाए, इसने 40 रुपीज़ मिलाए, और दोनों ने मिला के 100 रुपीज़ जो है वो जमा कर लिए हैं। अब 100 रुपीज़ से उन्होंने बिज़नेस शुरू किया है, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि ये जो बिज़नेस इन्होंने शुरू किया, अगर मैं कहूँ इनके ये इनकी इन्वेस्टमेंट है, आप इसकी इन्वेस्टमेंट को कंपेयर करें, मवाजना करें किसकी कितनी है, तो असल में आप क्या निकालेंगे? इनकी इन्वेस्टमेंट का रेशो निकालेंगे, क्योंकि रेशो ही वो चीज़ है जो कि आपको बताएगा, कंपेरिजन करके देगा इनका। ठीक है, तो रेशो का ये काम है। लेकिन रेशो बजाते खुद, रेशो खुद क्या है? एक नंबर है, ये एक नंबर ही आपको जो है वो बता देगा, ये कंपैरिजन बता देगा। अब ये नंबर जो है वो कौन सा नंबर है? हमारे पास नंबर्स की बहुत सारी किस्में हैं। अपॉन वाले जो नंबर हैं 60/40, आसान लफ्ज़ों में अपॉन वाले जो नंबर हैं, ये नंबर जो है वो रेशो हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि रेशो असल में एक नंबर ही तो है, ये आपको कंपेयर करके बताएगा कंपेरिजन, क्योंकि दो क्वान्टिटीज़ को आप कंपेयर कर रहे हैं ना, दो का मुवाजना कर रहे हैं, तो दो क्वांटिटीज़ मतलब दो नंबर, तो ये दो नंबर मिलके एक रेशो बनाएंगे, क्योंकि इसी की मदद से आप कंपेयर कर सकते हैं। जैसे ए और बी है, 60 और 40, इनका कंपैरिजन आपके सामने आ गया। इसको और सिंपल बना लें आप तो यहाँ पर 10 से डिवाइड हो जाएगा ये, और सिंपल बना लें आप तो फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो 3/2 ये भी आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा मुश्किल आपको लगेगा, ये थोड़ा सा 60 और 40 वाला आसान है। बहरहाल रेशो ये भी है, रेशो ये भी है। रेशो के ऊपर भी अलग मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स वाली प्लेलिस्ट में रेशो के ऊपर वीडियो पड़ी है। रेशो बार बार आता है, इसके ऊपर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, क्योंकि वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, इसलिए मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट में बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर वो रेशो की वीडियो पड़ी है, उसमें देख लें, तफसील से बात की है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी एक रेशो है, तो यकीनन ये भी एक नंबर होगा। ये नंबर क्या करेगा? ये कंपैरिजन करेगा, ये मवाजना करके आपको बताएगा। और इसमें भी यकीनन इस एक नंबर में दो नंबर होंगे, क्योंकि रेशो जो है अपॉन में हम लिखते हैं तो दो नंबर आते हैं अपॉन में। अब यहाँ पर ये रेशो या मवाजना आपको किस चीज़ का कंपेयर करके बताएगा? स्पीड ऑफ लाइट का कंपैरिजन करके बताएगा। लाइट की स्पीड जो है वो मुख्तलिफ मीडियम्स में मुख्तलिफ होती है, ये मिटा दूँ, लाइट की स्पीड मुख्तलिफ मीडियम्स में मुख्तलिफ होती है। लाइट आ कहाँ से रही है, पहले उस जगह को देख लेते हैं। ये रहा सन, यहाँ से लाइट आ रही है, ये रही हमारी अर्थ, यहाँ से लाइट यहाँ आ रही है। लेकिन हमारी अर्थ के इर्द गिर्द एक इनविजिबल कवरिंग भी है, जिसको हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं। और हमारी अर्थ के ऊपर जो है यहाँ पर ओशंस भी हैं, ओशंस यानी कि वाटर भी तो है। तो लाइट जो है वो यहाँ से, सन से यहाँ तक जो आ रही है, लाइट सन से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये स्पेस कहलाता है, इसको उर्दू में खला कहा जाता है। ये चीज़ जो है वो स्पेस नहीं कहलाएगी, क्योंकि और स्पेस या खला का मतलब क्या है? वैक्यूम। वैक्यूम हम किस जगह को कहते हैं? वैक्यूम, ऐसी जगह जहाँ कुछ ना हो, ऐसी जगह जहाँ कुछ ना हो, कुछ भी ना हो। तो आपके इर्द गिर्द एयर मौजूद है ना, हमारी अर्थ के इर्द गिर्द जो है ये एयर मौजूद है। तो एयर एक चीज़ है, एयर मिक्सचर है मुख्तलिफ गैसेस का, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मुख्तलिफ गैसेस जो हैं इस एयर में मौजूद हैं, और यही एटमॉस्फेयर जो असल में एयर कहलाता है। और एयर जो है मिक्सचर है मुख्तलिफ गैसेस का, और गैस जो है वो मैटर की एक स्टेट है। तो इसलिए जब सनलाइट यहाँ से यहाँ तक आई तो उसने वैक्यूम में ट्रेवल किया, तो यहाँ पर इसकी स्पीड जो है वो चेंज होगी, सनलाइट की यहाँ से यहाँ तक स्पीड चेंज होगी। जैसे ही सनलाइट एटमॉस्फेयर में इन होगी,
एटमॉस्फेयर में इन होगी सनलाइट, वहाँ पर इसकी रफ्तार, इसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाएगी। और अगर आप खड़े हुए हैं किसी टैंक के सामने, वाटर टैंक, शीशे का बना हुआ वाटर टैंक है, आप उसके सामने खड़े हैं और सनलाइट अगर उस वाटर टैंक में से गुज़र के आपके पास आ रही है, आपके पास आ रही है वाटर टैंक में से, पानी में से गुज़र के, तो इसका मतलब सनलाइट ने तीन मीडियम जो है वो गुजारे हैं। यहाँ जो मीडियम था वो तो वैक्यूम था, जिसको स्पेस कहते हैं, और उसके बाद एटमॉस्फेयर जो है ये दूसरा मीडियम आ गया। मीडियम मतलब वास्ता, जिसमें से गुज़र के कोई चीज़ आ रही है उसको मीडियम कहा जाता है। तो ये दूसरा मीडियम यहाँ पर एटमॉस्फेयर हो गया। तीसरा मीडियम क्या हो गया, ये वाटर हो गया। उससे गुज़र के फिर आपकी आँख में ये लाइट आ रही है। चली कहाँ से थी, सन से चली थी, फिर एटमॉस्फेयर में इन हुई, फिर पानी में इन हुई और फिर आपके पास आई। तो तीन मीडियम्स गुज़र के आई। तो आपका क्या ख्याल है, जिस वेलोसिटी से लाइट चली थी क्या अभी भी उसी वेलोसिटी से होगी? नहीं। यहाँ पर जो इसकी वेलोसिटी थी स्पेस में, वैक्यूम में, वो फास्टेस्ट थी, सबसे ज़्यादा तेज़ थी। फास्टेस्ट सबसे ज़्यादा तेज़ थी। एटमॉस्फेयर में जब इन हुई, एटमॉस्फेयर में, तो लेस, थोड़ी इसकी स्पीड जो है वो कम हो गई। और यहाँ जब पानी में हुई आई, तो पानी में और कम हो गई, और पानी में कम हो गई। समझ में आ रही है बात आपको? तो ये जो डिफरेंट मीडियम्स के अंदर लाइट की स्पीड को अगर आप कंपेयर करें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यही है ना, रेशो है ना, यही रेशो आपको क्या बताता है, ये कंपैरिजन करके बताता है आपको कि लाइट की स्पीड जो है वो दूसरे मीडियम्स के मुकाबले में यहाँ कितनी है। मिसाल के तौर पर पानी के अंदर 1.333, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है। जब हम ये कहते हैं ना कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है, तो इसका मतलब क्या होता है पता है? इसका मतलब ये होता है कि स्पेस के मुकाबले में, वैक्यूम के मुकाबले में, लाइट की स्पीड जो है वैक्यूम के मुकाबले में, लाइट की स्पीड जो है वो पानी में 1.33 टाइम्स कम है, टाइम्स लेस कम है। समझ में आ रही है बात? क्योंकि फास्टेस्ट इसमें है, वैक्यूम में, स्पेस में फास्टेस्ट है, सबसे ज़्यादा तेज़ इसी में। तो डेफिनेटली एटमॉस्फेयर में जब लाइट आएगी तो यहाँ इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, और पानी में जब आएगी, पानी से गुजर के आपके पास आएगी, तो वहाँ पर उसकी रफ्तार और कम हो जाएगी। बात समझ में आ रही है आपको? तो यहाँ पर अगर हम कहते हैं कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 टाइम्स है, तो इसका मतलब ये है कि पानी के अंदर सनलाइट की स्पीड जो है 1.33 टाइम्स कम है एज़ कम्पेयर टू स्पेस, एज़ कम्पेयर टू वैक्यूम। समझ में आ रही है बात? दिस इज़ कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, और इसका बाकायदा जो है वो एक फार्मूला भी है, लेकिन क्योंकि अभी फिज़िक्स हमारा टॉपिक नहीं है तो इसमें मज़ीद बात नहीं कर सकते अभी हम। अभी तो सिर्फ आप इतना ही समझ लीजिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिज़िक्स में भी आता है, केमिस्ट्री में भी आ जाता है, तो ये इस वजह से मुझे लगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको समझाना चाहिए। दोबारा रिपीट कर दूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक रेशो है, और ये आपको कंपेयर करके बताएगा दो क्वांटिटीज़ का, मवाजना करके बताएगा कि दोनों का कंपैरिजन क्या है किसी एक चीज़ के अंदर। तो स्पीड ऑफ लाइट को अगर हम कंपेयर करें पानी के अंदर और स्पेस के अंदर, अब क्योंकि यहाँ तो तीन मीडियम हमने डिस्कस कर लिए, एटमॉस्फेयर को भी ले लिया, एटमॉस्फेयर को फ़िलहाल आप छोड़ दीजिए, एयर को छोड़ दीजिए, वाटर को और वैक्यूम को ले लीजिए, बस ये दो, इनको दो मैं अगर एक ही जगह पर मैं आपसे बोलूँ कि मुझे ज़रा लिख के बताइए कि ज़मीन और जो है वो वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट और पानी में स्पीड ऑफ लाइट को कंपेयर करके मुझे बता दीजिए, तो इनडायरेक्ट वे में मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, मैं आपसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा हूँ वाटर का। समझ में आ गई बात? तो फिर आप क्या करेंगे, आप मुझे बता देंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये 1.33 टाइम्स जो है वो पानी के अंदर लाइट की रफ्तार कम है, पानी के अंदर लाइट की रफ्तार कम है। समझ में आ गई बात? और अगर डायमंड को देखें तो डायमंड के अंदर 2.55, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.45 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का। इसका मतलब क्या हुआ? अब पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है, अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो आप बता सकते हैं कि पानी के अंदर स्पीड ऑफ लाइट 1.33 टाइम्स है,
कम है स्पेस के मुकाबले में, और डायमंड के अंदर स्पीड ऑफ लाइट 2.45 टाइम्स कम है स्पेस के मुकाबले में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का ज़्यादा है और पानी का कम है। कंपेयर किससे कर रहे हैं हम? इससे, फास्टेस्ट से, इस पे वैक्यूम से। वैक्यूम से मवाजना हो रहा है क्योंकि वैक्यूम में हाईएस्ट है, फास्टेस्ट है, सबसे तेज़ रफ्तार जो है वो वैक्यूम में लाइट है। तो हम वैक्यूम के अंदर लाइट की स्पीड से कंपेयर करेंगे कि यहाँ पर जो इतनी है तो यहाँ पर कितनी है, और वैक्यूम के अंदर लाइट की स्पीड जो है वो 3×10^8 मीटर पर सेकेंड है। 3×10^8 मीटर पर सेकेंड है वैक्यूम के अंदर, स्पेस के अंदर। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर इससे क्या होता है, इससे आपको जो है वो लाइट की रफ्तार का पता लगता है, लाइट की रफ्तार का पता लगता है कि लाइट की रफ्तार जो है वो इस एक चीज़ के अंदर कितनी कम हो गई है और कितनी ज़्यादा हो गई है। ज़्यादा होने का तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि वैक्यूम में फास्टेस्ट है, सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, तेज तरीन, मतलब इससे ज़्यादा लाइट की रफ्तार हो नहीं सकती। तो स्पेस में ये है। अब दूसरे जो भी मीडियम होंगे, एयर होगा, वाटर होगा, डायमंड होगा, इनके अंदर लाइट ट्रैवल करेगी तो उसकी रफ्तार कम ही होगी, लेकिन कितनी कम, तो ये जो एक रेशो आपको आसानी से बता देगा। देखें, अभी आप कंपैरिजन कर सकते हैं, पानी की बात करें या डायमंड की बात करें, दोनों में से आपसे पूछूं मैं कि किस में जो है वो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कम है, तो आप कहेंगे डायमंड में कम है। डायमंड में लाइट की स्पीड कम है एज़ कम्पेयर टू वाटर, वाटर में लाइट की स्पीड थोड़ी ज़्यादा है। समझ में आ गई बात? क्योंकि पानी के अंदर 1.333 टाइम्स लेस है, कम है एज़ कम्पेयर टू वैक्यूम, और डायमंड में 2.45 टाइम्स कम है वेलोसिटी ऑफ लाइट एज़ कम्पेयर टू वैक्यूम। इसी वजह से जो डायमंड है वो ब्रिलियंट होता है, उसमें ब्रिलियंस ज़्यादा होती है, उसमें चमक जो है वो ज़्यादा होती है, वो शाइन ज़्यादा करता है, क्योंकि लाइट को थोड़ा वक्त मिलता है उसके अंदर, स्लो ट्रेवल कर रही होती है ना डायमंड के अंदर, तो वो ज़्यादा जगमगाता है। समझ में आ गई बात? पानी जो है उसमें थोड़ी स्पीड उसकी ज़्यादा होती है लाइट की, तो वो थोड़ा कम जो है वो ब्रिलियंट है। समझ में आ गई बात? तो आपको ये भी पता लग गया कि चीज़ें जो है वो ब्रिलियंट या शाइन जो है बहुत ज़्यादा क्यों करती हैं, उसकी वजह क्या है, यही स्पीड ऑफ लाइट है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक, नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।